गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपकी जो पाठ है नई इबारत, इस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। इसके राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिमरिया ग्राम में हुआ। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? ओके, पहला क्वेश्चन। ठीक, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 3 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया। इस कारावास की अवधि का उन्होंने सदुपयोग किया, स्वाध्याय। ठीक है, 1946 से 1950 ईस्वी तक महिला आश्रम में अध्यापन किया। 1 वर्ष तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का कार्य करते हुए उन्होंने हैदराबाद से प्रकाशित पत्रिका कल्पना का संपादन किया। 1955 से 1958 तक भी आकाशवाणी से संबद्ध रहे। 1958 से 1972 ईस्वी तक संपूर्ण गांधी वार्ड में का संपादन किया। आपका निधन सन 20 फरवरी 1985 को हो गया। ठीक है, मिश्र जी की कविताओं में सहजता है, सादगी है और ताजगी है। उसके अलावा इन्होंने इनकी जो नाटकीय व्यापार है, बोलचाल की भाषा है ना, इसके अलावा इसमें से कुछ ऐसा मैं देती नहीं हूँ। इसके बाद ये उनका जो काव्य दर्श है वो क्या है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू देख, ये आप कर लीजिएगा यार। आपकी प्रमुख रचना है गीत फरोश, खुशबू, शिलालेख, बुनी हुई रस्सी। बस इतनी, बुनी हुई रस्सी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपका जीवन परिचय हो गया। अब मैं आपको सारांश बताऊंगी।